नेहरू की गलती को कुछ दिन पहले अभी अभी सुधारा गया। धारा 370 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि धारा 370 जब हटाई गई तो बहुत माहौल ऐसा था कि किसी को पता नहीं था होने वाला क्या है। बहुत लोग कह रहे थे कि चुनाव होने वाला है, भाजपा इसलिए लगा रही है। बहुत लोग कह रहे थे कि आतंकवादी आने वाले हैं, अमरनाथ यात्रियों को हटाया गया उनकी सुरक्षा के लिए ये वो। फिर अचानक से पता चलता है कि धारा 370 हट रही है। फिर धीरे धीरे धारा 144 लग जाती है, कर्फ्यू लग जाता है, लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर धारा हटा दी जाती है, दोनों सदनों से पास होके हटा दी जाती है। ये जायज़ तरीके से, इससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका हो ही नहीं सकता था, जिसका सपोर्ट रशिया भी कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि रशिया कैसे सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही साथ US, चाइना, बाकी लोगों ने भी पाकिस्तान को ही शांत कराया है। पाकिस्तान जब फालतू में भौंक रहा था तो उन लोगों ने कहा ज़रा शांत रहो, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है। उसके बाद कुछ, क्योंकि कश्मीर तो नहीं जला, धारा 370 हटने से कश्मीर नहीं जला, इसलिए 144 लगाई गई धारा, ताकि कर्फ्यू के चक्कर में लोगों को सेफ रखा जाए, घर में रखा जाए, ताकि वो लोग देखो दंगा करेंगे तो लोग भी मरेंगे, आर्मी को भी नुकसान होगा, आर्मी रिप्लाई करेगी तो गन से ही करेगी इस बार, और सिर्फ जाने जाएंगी, सिर्फ सच में कश्मीर जलता तो इसका पॉजिटिव देखा जाए तो लोग बचे हैं। आज की डेट में 11 तारीख को 144 हट चुका है, कल ही हट गया था, सॉरी 10 तारीख को ही हट गया था, लेकिन आज की डेट में ऐसे बता रहा हूँ मैं कि 144 हट चुका है। सारे स्कूल कॉलेजेस फिर से खुल चुके हैं, लोग सड़कों पे नॉर्मल घूम रहे हैं, पीस है। जैसा आप तभी तो न्यूज़ में तो ऐसा ही आ रहा है, अब फिर फ्यूचर में कुछ होता है तो वो बात अलग है। और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला अरेस्टेड, महबूबा मुफ्ती अरेस्टेड, रशीद इंजीनियर अरेस्टेड, अगर कुछ अलगाववादी ऐसे होते हैं, अगर ये लोग बाहर होते, अगर इन लोगों को अरेस्ट ना किया गया होता तो ये लोग ज़रूर भड़काते, आग लग जाती कश्मीर में। फिर हमारे जो भारत के, जो इधर के जो लोग हैं, कश्मीर के अलावा जितने जो लिबरल्स हैं सो कॉल्ड, उनको ऐसा लगता है कि मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाते ही कश्मीर को जला दिया। आग वहाँ तो नहीं लगी, पत्ता भी नहीं जला, यहाँ पे लोगों की पता नहीं क्या क्या जल गई और बेतुकी चीज़ें बोलने लगे, ठीक है। अब आते हैं पाकिस्तान की, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट करने लग गया UN से कि ज़रा इंटरफेयर करो भाई, जबकि हमारा इंडिया का अपना मामला है, इंटरनल चीज़ है, उसके लिए हम UN पे क्यों डिपेंडेंट हैं। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि आप जो UN में नेहरू द्वारा रिक्वेस्ट डाली गई थी उस अपील को आप वापस ले लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए, ताकि मामला वहाँ पे रह ना जाए, हमारे हमारी चीज़ है, हम लोग आपस में देख लेंगे, तो ये जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। खैर, तो कश्मीर के कुछ लोगों को भड़काने के लिए, जाहिर सी बात है नहीं भड़केंगे तो फिर वो माहौल कैसे बनेगा जिसकी अपेक्षा थी धारा 370 हटते ही। तो पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल टिक वाले कुछ लोग लग गए हैं, आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, मोदी को हिटलर बनाने में, ऐसी ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं।
मोदी के बारे में कि जनता भड़के, वहाँ की मीडिया लगी हुई है भड़काने में कि आप इस्लाम के नाम पे जिहाद करो, वहाँ पे दंगा करो, विरोध करो इस चीज़ का, तुम लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, ये वो ये वो। क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ये तो आई ओ के, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और हमारे लिए एक पी ओ के है। तो उनको लगता है कि हम लोग यहाँ पे ज्यादती कर रहे हैं, जबकि उनको ये भी नहीं पता है कि हम पी ओ के भी लेके रहेंगे और अक्षय चिन्ह भी लेके रहेंगे, सब हमारा है, हम लोग लेके रहेंगे, धीरे धीरे ले लेंगे। और इसी बात का खौफ है, वो लोग भड़क रहे हैं और भड़का रहे हैं। तो अभी कश्मीर में कुल मिला के अभी पीस है, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, शांति है, रोड पे नॉर्मल चहल पहल है। मैं कश्मीर के लोगों से, अगर कोई कश्मीरी देख रहा हो, पाकिस्तानी भी देख ले तो जवाब देना चाह दे सकता है, कश्मीरी देख रहा हो तो मैं चाहता हूँ ये समझाए मुझे कि धारा 370 के हटने से उसका क्या नुकसान है, और उसके रहने से, क्योंकि रही है बहुत समय तक, तो उसको क्या ऐसा बेनिफिट मिल गया कि हट जाने से वो बेनिफिट चला जाएगा उसका। बेनिफिट तुम्हारा नहीं था, बेनिफिट उमर अब्दुल्ला का था, फारूक अब्दुल्ला का था, मुफ्ती का था, गिलानी का था, उन आतंकवादियों का था जो कश्मीर को गेटवे समझते थे इंडिया में आने के लिए, जो कश्मीर को एक ऐसा राज्य बना के समझ रखते थे कि हम लोग यहाँ उत्पात मचा लेंगे, यहाँ के लोगों को, मुसलमानों को आतंकवादी बना देंगे और भारत में हमले करवा देंगे। क्योंकि जब पुलवामा हुआ, प्लानिंग पाकिस्तान में हुई, करने वाला कश्मीरी मुसलमान था। लेकिन अगर अभी भी ये नहीं समझा कोई वहाँ का युवा कि हट जाने से डेवलपमेंट होगा, रोज़गार मिलेगा, जिस पैसे के लिए तुम वो कर रहे हो, तुम अच्छे तरीके से मेहनत करके पैसा कमा सकते हो, तुम्हें नए रास्ते मिलेंगे, तो हटने से क्या फ़ायदा है ये तो फ्यूचर में पता चल जाएगा। लेकिन ना हटने से क्या फ़ायदा था तुम्हारा पर्सनली, ये कमेंट में कोई मुझे बताना चाहे बता सकते हैं। और अगर कोई फेवर में भी है कि हटा दिया तो अच्छा किया, तो वो भी बता दे कि कितने कश्मीरी खुश हैं इस फैसले से, ताकि पाकिस्तान को एक जवाब मिले। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान को जवाब अगर कोई दे सकता है तो कश्मीरी ही दे सकते हैं, वरना कुछ ऑफिशियल टिक वाले कुत्ते और इमरान खान जैसे भेड़िए कहूँ, जब भी उन लोगों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग हमेशा उकसाते हैं और इंडिया में आपस में ही लड़ाई करवा के वो लोग बाहर से खुश होकर जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुद की औकात नहीं है कि मिलिट्री पावर से वो लोग जीत सकें। तो भड़काएंगे यहाँ के लोगों को धर्म के नाम पे। तो बस समझदार हो, अपनी भलाई देखो, देश के साथ रहो, अपनी धरती से प्यार करो, इन सब फालतू लोगों के पीछे मत पड़ो। ये दो कौड़ी के लोग हैं, दो कौड़ी का देश है, छोटा सा है। अब ऐसे लोग भड़काने पे आ गए और ऐसे लोगों की सुन के अगर आग लगने लग गई तो फिर शर्म आनी चाहिए ना। जिनकी कुछ खुद की क्वालिटी नहीं है, खुद की कोई इकोनॉमी नहीं है, खुद की कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, वैसे छोटे छोटे देश अगर भड़काने लगे तो फिर क्या रह जाएगा। खैर, इस फैसले का सपोर्ट पूरा इंडिया कर रहा है, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उनके अपने मसले हैं, अपना एजेंडा है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, ऐतिहासिक फैसला था, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई हो। अभी तो शुरुआत के कुछ दिनों में ही कर दिखाया, अभी तो पूरा 5 साल बाकी है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और जिसको प्रॉब्लम है वो तो देखता जाए आगे आगे क्या होता है। तो फिर मिलते हैं लोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।